गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम पुनीत कुमार फ्रॉम ग्रोंडा, वर्किंग एज असिस्टेंट प्रोफेसर इन RPIT कॉलेज। टुडे वी डिस्कस इन दिस वीडियो हाउ टू कन्वर्ट द मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम इनटू मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम, और यू कैन से दैट स्टेप्स टू सॉल्व मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम इन असाइनमेंट प्रॉब्लम। इन सम असाइनमेंट प्रॉब्लम वी वांट द असाइनमेंट सच दैट प्रॉफिट, सेल्स, रिवेन्यू, production is maximum. To solve such maximization problem, firstly we convert the given maximization problem into minimization problem, and then minimization problem is a shared by using Hungarian method. Now we discuss one by one every step. The first step is that select the largest element from the profit or sale matrix. Means इन दिस फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, अगर हमें क्वेश्चन आर गिवन इन प्रॉफिट, सेल्स और रिवेन्यू, तो उस पर्टिकुलर मैट्रिक्स में हम क्या एक लार्जेस्ट एलिमेंट मीन्स लार्जेस्ट वैल्यू को क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। आफ्टर सेलेक्टिंग द लार्जेस्ट एलिमेंट फ्रॉम द प्रॉफिट और सेल मैट्रिक्स, देन द सेकेंड स्टेप दैट इज सब्ट्रैक्ट ईच एलिमेंट फ्रॉम लार्जेस्ट एलिमेंट। इन द सेकेंड स्टेप जो हमने लार्जेस्ट वैल्यू सेलेक्ट की है, उस वैल्यू में से ऑल अदर वैल्यू, जो मैट्रिक्स की अनदर वैल्यू है, उन सभी को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग ईच एलिमेंट फ्रॉम द लार्जेस्ट एलिमेंट, देन नेक्स्ट स्टेप रिजल्टिंग मैट्रिक्स प्रिपेयर लॉस मैट्रिक्स। मीन्स जो सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास टेबल आएगी, जो मैट्रिक्स आएगी, उसको हम मिनिमाइजेशन मैट्रिक्स और लॉस मैट्रिक्स प्रिपेयर करेंगे। आफ्टर प्रिपेयर द लॉस मैट्रिक्स, नाउ द असाइनमेंट सॉल्व, असाइनमेंट प्रॉब्लम विल बी सॉल्व बाय द हंगेरियन मेथड। इन द प्रीवियस वीडियो वी ऑलरेडी डिस्कस द हंगेरियन मेथड। फर्स्ट ऑफ ऑल वी रिड्यूस द टेबल अकॉर्डिंग टू रो वाइज एंड फॉर सेलेक्टिंग द मिनिमम एलिमेंट, एंड आफ्टर दैट वी रिड्यूस द टेबल by column reduction, and after that we draw the assignment and we make the assignment, and according to matrix, जब हमारी matrix के according assignment बन जाएगी, means अगर हमारी matrix 5x5 की form में है, अगर हमारी 5 assignment बन जाती है, तो our solution is obtain optimum solution. Now after obtaining the optimum solution, the next replace the value in the sale by the original profit sale in order to find maximum profit or sale. Means जो हमारी assignment बनी है 5, उन 5 में हम अपनी actual जो हमारी profit वाली table थी या profit matrix थी या sale matrix थी, उसके according वो values क्या करेंगे वहाँ पे put करेंगे। After that find out the total sale या maximum sale और maximum profit. This is the complete procedure of solving the maximization problem in assignment problem. Okay students, thank you so much.